Good morning everyone. Today we are going to discuss remaining theorems based on parallelogram and some questions based on parallelogram also. Let's come to the next theorem. Next theorem is prove that a quadrilateral is a parallelogram. कोई भी quadrilateral parallelogram form करेगा अगर उसके कोई opposite side का one pairs equal हो जाए और parallel हो जाए. जैसे कि हम suppose कर लेते हैं यहाँ पे कि let us consider that कि ABCD is a quadrilateral. हमने suppose कर लिया basically कि ABCD यहाँ पर क्या है, ABCD quadrilateral है. तो given है यहाँ से कि ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. ए बी सी डी को क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लिया. अब ऑपोजिट साइड, सेम साइड को पैरेलल होना है और सेम साइड को क्या करना है, इक्वल होना है. हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये सपोज कर लिया. एंड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी, और हमने कह दिया कि साइड ए बी जो है साइड डी सी के क्या है, इक्वल है. ठीक, अब यहाँ से देखिए तो प्रूफ क्या करना है बच्चों, यू हैव टू प्रूव दैट. क्या चीज़ टू प्रूव करना, आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपको ये चीज़ बेसिकली शो करनी है. ठीक है, पैरेललोग्राम को शो करने के लिए आप जनरली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को क्या करते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल शो करते हो. तो बेसिकली इसको करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल, आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में, कहीं ना कहीं हम उसमें कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प ले रहे हैं. कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास डायगनल हो, तभी ये ट्रायंगल में डिवाइड होगा. तो बेसिकली हमने एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, डायगनल एसी बना लिया. ठीक, तो हमने कहा कंस्ट्रक्शन की बात अगर आई तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कह दिया, कंस्ट्रक्शन में हमने कह दिया कि जॉइन ए एंड सी, ए और सी को ज्वाइन किया. अब देखिए बात करते हैं, लेट्स कम टू द ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए. ठीक है, अब प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में हम आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, दोनों ट्रायंगल में हम लोग बेसिकली आ गए. ठीक, अब दोनों ट्रायंगल की बात करें तो देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. यहाँ से अगर हमको बेसिकली देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, यहाँ से देखिए तो अगर आप देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. सबसे पहला तो ये जो है इसके पैरेलल है. ठीक, ये लाइन इसके पैरेलल है. तो पैरेललिज्म की कंडीशन के लिए अगर यहाँ से देखिए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया. ठीक, तो अगर हम यहाँ से कहें तो क्या चीज़ हमें मिल रही है, अगर यहाँ से आप देखना चाहें तो आपको मिलेगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए. ठीक है, यहाँ से क्या मिला, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, डी सी ए चीज़ आपको ये मिल गई. ठीक है, अगर यहाँ से देखिए तो आपको मिल रहा है साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड डी सी, ए बी इज इक्वल्स टू साइड डी सी, ये पोर्शन आपको क्या है बेटा, गिवन है. ठीक, अब एक चीज़ यहाँ से देखिए तो दोनों ही ट्रायंगल में जो है एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, ये पोर्शन आपको क्या मिला, कॉमन मिला. ठीक है, ये पोर्शन अगर कॉमन मिला तो तीन चीज़ें आपको मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया. तो बेसिकली टू साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल. तो यहाँ से क्या हो गया, देयर फोर बाय एस ए एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ये जो है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया. ट्रायंगल सी डी ए के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर हमें देखें तो हमें मिलेगा देयर फोर एंगल बी सी ए, बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ से डी, यहाँ से मिलेगा डी ए सी, ये चीज़ मिल गया बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक, अगर यहाँ से देखो तो क्या चीज़ मिली, ध्यान से समझिएगा, कहा गया आपसे एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए मतलब ये एंगल किसके इक्वल होता हुआ मिला हमें, डी ए सी के, किस एंगल के, डी ए सी के. अगर यहाँ से देखिए तो ये इसके इक्वल होता हुआ मिला. ठीक, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब ये देखिए, ये आपका, इसका मतलब ये एंगल, ये दो, ये लाइन थी, ये लाइन थी,
और ये आपका क्या रहा, ये आपका ट्रांसवर्सल रहा, और ये जो है बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ से इक्वल हो गए, तो यहाँ से क्या मिल गया, हम यहाँ से लिख देंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि therefore यहाँ से क्या मिल गया कि AD is parallel to BC, क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से ये मिल गया कि therefore AD is parallel to BC। अब देखिए, अब हमारे पास बेसिकली क्या था, एक चीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी कि now we have क्या चीज़ है, क्या चीज़ मिली कि AD is parallel to BC, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ की, एंड AB is parallel to DC, ये चीज़ गिवन थी। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाते हैं तो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, therefore ABCD is a parallelogram, ABCD आपको क्या मिल गया, parallelogram मिल गया, ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो parallelogram बन गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक्सरसाइज 9th ए का क्वेश्चन है बेसिकली, या 10th ए का क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज के आर एस अग्रवाल का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी है उसका जो है एक प्रॉब्लम है। कहते हैं, क्या कहते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर BM इज परपेंडिकुलर टू AC, क्या बोला गया, BM ये आपका क्या है, ये M है, BM जो है AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, DN इज परपेंडिकुलर टू AC, DN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये लाइन ये भी AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 बन जाएगा। कहते हैं कि इफ BM इज इक्वल्स टू DN, कहते हैं BM इज इक्वल्स टू DN, तो प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD। क्या चीज़ प्रूव करनी है, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD, AC जो है BD को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो क्या चीज़ है, पहले यहाँ से क्या चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव क्या चीज़ है, AC बाइसेक्ट्स BD, BD को बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ से क्या हो गया, BD टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स OD इज इक्वल्स टू आपको शो करना है OB। ठीक, ये चीज़ शो करनी है। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के यूज़ के लिए अगर हम ट्राइंगल कंसिडर कर लें, लेट्स कम टू द ट्राइंगल OND एंड OMB। ठीक है, अगर यहाँ से आते हैं, इन ट्राइंगल OND एंड ट्राइंगल OMB, दोनों ट्राइंगल हम लोगों ने अगर कंसीडर कर लिए, OND OMB, ठीक, दोनों ट्राइंगल अगर हम लोगों ने कंसीडर किया तो देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये एक एंगल इक्वल है और एक ही साइड इक्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिली, यहाँ से आपको ये मिला कि एंगल OND जो है ये किसके इक्वल है, एंगल OMB के इक्वल है, OND OMB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कुछ आपको आइडिया है, यहाँ ये इसलिए इक्वल है बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए तो एंगल DON, एंगल DON किसके एंगल DON किसके इक्वल है, एंगल BOM के। ठीक है, तो एंगल DON इज इक्वल्स टू एंगल BOM, क्यों, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट, और DN इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, BM गिवन है, DN इज इक्वल्स टू BM गिवन है, और इस तरीके से दो एंगल्स, दो ट्राइंगल में दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो गया, तो क्या मिल गया, देयरफॉर ट्राइंगल OND ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल OMB के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर OD इज इक्वल्स टू OB, ये चीज़ बेसिकली आपको मिल गई, ये चीज़ आपको शो करनी थी कि AC BD को बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स OD इज इक्वल्स टू OB मिल गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा, इन द गिवन फिगर ABCD, ठीक है, ABCD गिवन फिगर अगर आपके पास है तो क्या चीज़ कही जा रही है, कही जा रही है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, फर्स्ट थिंग, क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ कह रहे हैं इन विच AB इज इक्वल्स टू AD, AB जो है AD के इक्वल है, और कहते हैं कि BC जो है DC के इक्वल है। शायद मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ लेकिन फिर भी फर्स्ट, अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू शो दैट कि AC बाइसेक्ट्स
एंगल ए एंड एंगल सी. मीन्स यू हैव टू शो दैट कि ये एंगल आपको शो करना है, जो जो चीज़ें हम रेड पेन से बनाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. आपको शो करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ए सी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल ए टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. ए सी एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल सी जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. और शो करना है बी ई इज इक्वल्स टू डी ई, ये इसको इसके इक्वल शो करना है. रेड वाला मतलब कि आपको प्रूफ करनी है चीज़ें. और क्या चीज़ शो करनी है, एंगल ए बी सी एंगल ए डी सी के क्या है, इक्वल है. ये भी आपको क्या करना है, शो करना है. ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स कम टू द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी. ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल में हम आते हैं, लेट्स कम टू द ट्रायंगल ए बी सी. पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी दोनों में आ गए, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी. ठीक, ये चीज़ गिवन है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है. बी सी इज इक्वल्स टू, अगर देखिए बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू डी सी गिवन है, डी सी गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू डी सी गिवन है. और अगर यहाँ से देखिए तो दोनों ही ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू ए सी. ठीक, दोनों ही ट्रायंगल में देखिए, साइड 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 की क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाने वाले हैं, अब कॉन्ग्रुएंट हो जाने वाले हैं. देयर फोर यहाँ से क्या मिल गया, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया के थ्रू हमें मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी. ये चीज़ हमें मिल गई. ठीक, अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपको इक्वल होते हुए नजर आएंगे. ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल होते हुए नजर आएंगे तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें मिलेगा देयर फोर, यहां से देखिए देयर फोर, देयर फोर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी. तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. इसका मतलब यह हुआ कि देयर फोर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए मतलब दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गए, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी. ठीक, अब इसके बाद यहीं से अगर आप देखिए तो आपको नेक्स्ट थिंग मिल रही है, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, बी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए. ये भी आपको मिला सी पी सी टी के थ्रू, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और यहाँ से अगर आप देखिए तो ये मिला कि एंगल सी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए. तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी. ठीक है, ये हो गया. अब ये होने के बाद अगर आप देखिए तो नेक्स्ट आपको क्या मिल गया, नेक्स्ट थिंग आपको ये मिल गई कि देयर फोर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ऑल्सो, ऑल्सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी. ये चीज़ हो गई बाई दे भी आपको सी पी सी टी के थ्रू मिल गया. तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रूफ हो गई यहाँ से अगर आप देखिए तो ये पोर्शन आपका फर्स्ट वाला था, ये चीज़ प्रूफ हो गया. थर्ड वाला पोर्शन भी आपका, ये थर्ड वन भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया. अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन की. सेकंड पोर्शन में देखिए क्या चीज़ प्रूफ करनी है, यू हैव टू शो दैट बी ई इज इक्वल्स टू डी ई, ये चीज़ प्रूफ करना है. तो इसका मतलब इसके लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे. लेट्स कम टू द ट्रायंगल ए बी ई एंड ए डी ई. ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल या तो हम बी ए ई और डी ए ई की बात करते हैं क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ पता है. बी ए ई एंड ट्रायंगल डी ए ई, बहुत ध्यान से समझिएगा. अब देखो यहाँ से बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, वी नो दैट अभी हम लोगों को वी नो, यहाँ से देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी मिला था बाई सी पी सी टी के थ्रू. तो यहाँ से अगर देखिए तो देयर फोर यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए की ही बात हो रही है, हम इस ट्रायंगल में इसको कंसीडर कर सकते हैं. ये भी सी पी सी टी के थ्रू ही आपको मिला. अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट अगर दोनों में देखिए तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है आपके पास, गिवन है ये पोर्शन.
और इसी के साथ साथ ए ई इज इक्वल्स टू ए ई है आपको मिल गया, दो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखिए तो दो साइड्स, ये साइड और इनसे इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो बाय एसएएस क्राइटेरिया, एसएएस क्राइटेरिया ट्रायंगल, यहाँ से देखिए तो ट्रायंगल बीएई इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो भी साइड्स हैं वो किसके, वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, देयर फोर बी ई इज इक्वल टू डी ई, ये चीज़ आपको मिल गई, बी ई इज इक्वल टू डी ई, और आपको ये सेकेंड थिंग शो करनी थी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आज हम लोगों ने जो थ्योरम डिस्कस की है उस थ्योरम पे कम्प्लीटली बेस्ड है और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। क्या कहा जा रहा है देखिए, ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स गिवन इन सच अ वे दैट दैट, क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये चीज़, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, फर्स्ट थिंग, एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई, और ये इसके इक्वल भी है, ठीक। फिर इसी तरीके से कहते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये बी सी है, ये ई एफ के क्या है, पैरेलल है, और साथ ही साथ बी सी जो है ई एफ के इक्वल भी है। क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि शो दैट ए सी इज पैरेलल टू डी एफ, आपको क्या शो करना है बेटा, आपको शो करना है कि ए सी मीन्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, और सॉरी पैरेलल मतलब कि ये हमने ऐसे कर दिया, पैरेलल होगी और डीएफ के पैरेलल होगी, और डीएफ के क्या होगी, इक्वल भी होगी, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो आज हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी कि इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल टू वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो बेसिकली हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम फॉर्म कर जाएगा, ये कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड है, ठीक है। अगर देखिए तो ये जो है कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट थिंग, अगर हम आते हैं ट्राइंगल कौन कौन से, अगर यहाँ से देखिए ए बी ई डी की बात करें, ठीक, ए बी ई डी की बात करें, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, अगर यहाँ से देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी की बात करें, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, तो यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी ई गिवन है, एंड ए बी इज इक्वल टू, एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, हमने भी जो थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एक ऑपोजिट साइड, एक पेयर का ऑपोजिट साइड जो है इक्वल और पैरेलल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि देयर फोर ए बी ई डी इज़ अ, ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि देयर फोर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई गिवन है, तो यहाँ से मिल जाएगा कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी ई, यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि ए डी जो है इट इज़ पैरेलल टू, किसके पैरेलल हो गया, ए डी इज़ पैरेलल टू बी ई, ए डी जो है बी ई के क्या बन गया, ए डी जो है बी ई के पैरेलल हो गया, एंड ए डी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या बन गया, बी ई हो गया, ठीक, ये चीज़ हो गई, ठीक। अब इसको यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो चीज़ नेक्स्ट हमें गिवन है, दैट इज़ इस वाले पैरेलल क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ये वाला क्वाड्रिलेटरल अगर आप देखिए तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बी, यहाँ से देखिए तो क्या बन रहा है, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी में अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, बी ई एफ सी में अगर आप देखो तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, और बी ई इज इक्वल्स टू, सॉरी बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ भी गिवन है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर फोर बी ई एफ सी, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इज अ पैरेललोग्राम,
ये बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो यहाँ से जो इसकी रिमेनिंग ऑपोजिट साइड्स जो बची, दैट इज़ बी ई और सी एफ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया कि देयर फोर बी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये चीज़ आपको मिल गई। इसे हमने कह दिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर टू है, डन। अब देखो, अब जो आपको प्रूफ करना है वो क्या है, आपको प्रूफ करना है ए सी इज पैरेलल टू डी एफ एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। तो इसका मतलब हम इस ट्राइंगल में आते हैं, लेट्स कम टू द इन ट्राइंगल ए सी एफ डी, ठीक है ना, सॉरी ट्राइंगल नहीं, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, अगर हम इसमें आए बेटा बेसिकली, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं हमको मिला, हमारे पास क्या क्या है। वी नो दैट फ्रॉम वन एंड टू यू कैन सी दैट कि वी नो बी ई, यहाँ से क्या मिला फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से अगर आप देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं, ए डी इज, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस विल इम्प्लाइज दैट ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। सिमिलरली अगर देखिए तो ए डी जो है अगर बी ई के इक्वल है एंड बी ई जो है किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या मिल जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ए डी सॉरी ए डी जो है किसके, ए डी जो है किसके, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ठीक। अब अगर आप आइए इस ट्राइंगल में, यहाँ से अगर आप देखिए तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, ए सी एफ डी में आपको क्या मिला, ये साइड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से ये मिला कि देयर फोर ए सी, यहाँ से क्या मिला, देयर फोर ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, वन ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल मिल गए, तो देयर फोर यहाँ से क्या मिल गया, अगर देखिए तो देयर फोर यहाँ से क्या मिला, ए ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम बेसिकली बन गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसके रिमेनिंग साइड्स थे, मतलब क्या चीज़ बनी थी, देखो यहाँ से ये हमको मिल गया था कि ए डी जो है, ए डी जो है सी एफ के पैरेलल हमें मिल गया था और ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ मिल गया, तो मतलब ए सी एफ डी आपका पैरेललोग्राम बन गया। और जब ए सी एफ डी पैरेललोग्राम बन गया तो मतलब इनके रिमेनिंग जो टू साइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पैरेलल और इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया, देयर फोर यहाँ से क्या हो गया, बेसिकली ए सी इज पैरेलल टू किसके, ए सी जो है ई एफ के पैरेलल हो गया, ए सी इज पैरेलल टू डी एफ और जो है एंड ए सी इज इक्वल्स टू आपको डी एफ जो है मिल, वो बेसिकली मिल भी गया, ठीक है। तो ये आपका जो है आज के थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था।